शर्मिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के साथ आई हूँ। सो वो है ये निटेड इरेजर। ये बेसिकली यहाँ पर आपको व्हाइट दिख रहा होगा, बहुत जगह में ये ग्रे कलर में भी मिलता है। ये शकुरा का निटेड इरेजर है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दूंगी, जो कि आप बाय कर सको। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी कंपनीज है जिसमें ये निटेड इरेजर मिलता है, बट ये वो व्हाइट नहीं होते, वो ग्रे कलर के होते हैं। और ये निटेड इरेजर व्हाई, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ये एकदम च्युइंगम के तरह होता है, जैसे च्युइंगम होता है ना वैसे होता है ये, और ये च्युइंगम की तरह निकलता है, ये एकदम च्युइंगम के तरह निकलता है। देखो जैसे च्युइंगम होता है वैसे ये निकलता है, और ये ऐसे करके ही आप इसको यूज कर सकते हो। बस थोड़ा सा यह याद रखना कि इसको ना हमेशा का प्लास्टिक में पैकेट में ऐसे करके इसको टेप लगा के आपको रखना चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना ही आप निकाल सकते हो, कम अमाउंट में आप निकाल सकते हो, और दूसरे को आप ऐसे रख सकते हो, क्योंकि ये फिर हार्ड हो जाएगा हवा लगने से ज़्यादा। तो इसलिए आप इसको ऐसे करके आप निकाल के आपको जहाँ पर भी आप इसमें क्या है कि आपको एक पतला कहीं पर आप लाइन मारना है रबर का, तो फिर ये आप इससे आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज आप ऐसे करके लाइन मार सकते हो, या आपको कोई चीज़ से ऐसे करके डैप करना है तो आप डैप कर सकते हो। बहुत सारे जगह होता है जैसे कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। आप इसको ग्रेफाइट, चारकोल, सॉफ्ट पेस्टल, जो भी एक थोड़ा सा ऐसे ड्राई टाइप का होता है, ड्राई चीज़ होती है जिसमें थोड़ा सा ग्रेन्स निकल रहे हैं, उन सारे आइटम जो मीडियम्स हैं उनमें ये वाला निटेड इरेजर आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे जगह है जैसे नॉर्मल जो इरेजर होते हैं वो यूज़ करने आप जाओगे तो वो पूरा काला कर देता है, बड़ा गंदा कर देता है, इसलिए उसके चारकोल स्पेशली या सॉफ्ट पेस्टल स्पेशली। तो आप क्या करते हो, जो ये वाला जो इरेजर है इससे आप पहले उसका जो पाउडर है वो ऊपर से निकाल दो अच्छे तरह से, तो ये डैप डैप करके आप पाउडर निकाल सकते हो ऐसे करके। आपने ये आपने ऐसे रखा और ऐसे करके आप डैप डैप करके निकाल रहे हो, उसके बाद आप ना इसको ऐसे जैसे ही यहाँ पर काला हो जाता है, पर आप ऐसे करके कर दोगे, मिक्स कर दोगे, वो कालापन निकल जाता है। सो उसके बाद फिर से आप इसको यूज कर सकते हो, जब तक ये बिल्कुल ही खराब नहीं होता तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो है नॉट ओनली आपका डैप डैप करके आप पूरा लेयर निकाल देता है, और आपको वो डस्ट जो है उसके बाद आप नॉर्मल इरेजर से उसको रब कर सकते हो। ये इवन कभी कभी ऐसे होते हैं बहुत टाइम पे कि आप चाहते हो कि ये फर्स्ट लेयर जो है जो आपने कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया लेकिन आपको डार्क नहीं चाहिए उतना, तो वहाँ से आप ऐसे डैप डैप करके निकाल लोगे तो आपका एक ऊपर से लेयर हल्का सा निकल जाएगा और आप देखोगे कि इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ पेंटिंग में और वो बहुत अच्छी तरह से निकल गया, तो उसके लिए भी ये काम आता है। या अगर आपको जैसे छोटा सा कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक लाइट आना चाहिए तो आप ऐसे करके पतला करके आप ऐसे लाइन मार सकते हो, तो ये लाइट टाइप का एक ऐसे लाइन आ जाएगा और आपका थोड़ा रब हो जाएगा, वहाँ पर आप लाइट के टाइप का एक रिफ्लेक्शन टाइप का दिख सकता है। सो ये सारे जो इरेजर का काम है, ये निटेड इरेजर है और इसका काम ये सारे चीज़ों में आता है। स्पेसिफिकली चारकोल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉफ्ट पेस्टल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस ग्रेफाइट में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे स्पेसिफिकली जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हो तो कभी कभी आपको लगता है कि मुझे पूरे रब नहीं चाहिए और लेकिन आपको थोड़ा बहुत हल्का कर दो या समथिंग कर दो, तब ये बहुत इरेजर काम आता है। तो ये बेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना आना चाहिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सीख जाओ। अगर आपको ये सारी चीजें और भी सारी इक्विपमेंट्स और जो चीजें आर्ट में यूज होते हैं अगर जानना है तो हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कोई भी मीडियम की क्लासेस ले सकते हो। सो आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मेरे इस नंबर पर लिख सकते हो कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, पर अपना नाम और स्टेट लिखना ना भूलिएगा। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या आपको किसी भी कॉलेज या किसी, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी भी कॉलेज में एंट्रेंस में किसी चीज़ के लिए भी आपको अगर जानना है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मैं सारी डिटेल आपको दे दूंगी कैसे करना है। काउंसलिंग के लिए भी आपको मैं लिंक दे दूंगी, वो भर के के बाद आपको जूम लिंक मिलेगा और फिर आप मुझसे बात कर सकते हो। सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली में निटेड इरेजर क्या होता है क्या नहीं होता, इसको कैसे यूज करते हैं वो समझ नहीं आता। सो जरूर ये वाला लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए डू सब्सक्राइब अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर टुडे।